नूडल्स रेडी कर लिए हैं मैंने, और ये है ये देख ही रहे होंगे आप। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये मेरे हाथ में इतने सारे नूडल्स है, 24 आवर्स नूडल्स ईटिंग चैलेंज होने वाला है। थंबनेल में तो आपने पहले ही देख लिया होगा, ठीक है। तो हम 24 आवर्स नूडल्स ईटिंग चैलेंज करने वाले हैं, और मेरे हाथ में ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के देख ही रहे होंगे आप, इतने सारे नूडल्स पैकेट हैं। तो इसे मैं खाऊंगी और टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसे बने हैं, ठीक है। किसके लिए? तो मैंने ये अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है, और ये ब्रेकफास्ट में मेरे हैं चिंग्स के सेजवान नूडल्स, और इसे अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ। ओके, देखते हैं फर्स्ट बाइट। थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ा मैसे मैसे हो गया होगा, सॉरी। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे हैं यार, सेजवान का बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा है, सही नाम रखा है। यम्मी है गाइस, जो नॉर्मल स्पाइसी है वो बेस्ट है। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका, और फ्लेवर एकदम मुंह में घुल जा रहा है, बहुत अच्छा है। पूरा खत्म करना है ना, ये नूडल्स तो मुझे बहुत टेस्टी लगे। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो 5 में से 4, और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो अब चलिए देखते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या ट्राई करने वाली हूँ। अब मैं लंच टाइम पे ले रही हूँ, मैंने पैकेट लिया है येपी नूडल्स का, तो अब मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ। ओके, ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। 5 में से 3.5। यम्मी है। तो इवनिंग स्नैक्स में देखते हैं क्या ट्राई करूँगी मैं। टेस्टी है यार, जितनी भी नूडल्स में ट्राई कर रही हूँ ना, ये सारे मेरे फर्स्ट टाइम नूडल्स हैं, क्योंकि मैगी तो सब खाते ही रहते हैं। तू ना कुछ नया ट्राई करे, मैगी से अच्छे लगे नहीं? अभी मैगी की ना बात ही अलग है ना, शेजवान ने टक्कर दी थी मैगी को, इसने नहीं दी। गाइस मैं ना थोड़ा बाहर गई थी, और इस टॉप लेमन नूडल की हालत देखो, ऐसे ठंडे हो चुके हैं। मम्मी ने बना के रख दिए, तो मुझे लेट हो गया आने में, और मैं ये ठंडे ही खा के बता सकती हूँ। देखना इनके, ये तो जम गए यार, ऐसा लगता है फ्रिज में से निकाले हो मैंने। हाँ, ये तो देखने में बिल्कुल मैगी जैसे लग रहे हैं, बट खाने में मैगी जैसे नहीं है। ठीक है, ठंडे हो शायद इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे हो, बट इतने कोई खास नहीं लग रहा। ठीक है, ओके ओके, मतलब दोबारा नहीं ट्राई करूँगी फिर इसके बाद। ठीक ना, मैं 2 पैकेट नूडल्स खा चुकी हूँ, और ये 3 पैकेट टॉप रेमन वाला है, अब नहीं खाऊंगी। थोड़ा कम मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, अब सीधा डिनर में खाएंगे अपनी जो नेक्स्ट, देखते हैं क्या। ठीक है गाइज, अब ये मेरी है स्पेशल मसाला मैगी, और मैं इसे खाने जा रही हूँ। बट इसके खाने के बाद, ये मेरे डिनर का टाइम है, इसके खाने के बाद मैं अब मैगी या क्या कोई सा भी नूडल्स नहीं खाऊंगी। ये 24 आवर्स का चैनल था जो मैंने अब कंप्लीट करने जा रही हूँ, और मैं नहीं खाऊंगी अब, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, मतलब मैं नहीं देखूंगी शक्ल भी, कि मुझे कोई बोले ना मैं भग जाऊंगी वहाँ पे, बहुत गर्म है वैसे। ठीक है,
ये जो हम नॉर्मल मैगी खाते हैं उससे थोड़ी ज्यादा स्पाइसी, जिसको स्पाइसी ज्यादा पसंद है ना उसके लिए परफेक्ट है। जस्ट लाइक वर्षा को स्पाइसी मैगी बहुत पसंद है तो वो ये खाना जरूर प्रेफर करेगी। और ये जो हम रेगुलर मैगी खाते हैं उससे अलग है क्योंकि इसमें मसाले ज्यादा हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो क्योंकि मैं भी मसाला ज्यादा खाती हूँ तो मैं ये जरूर खाऊंगी। फाइनली 24 आवर्स का नूडल्स ईटिंग चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने तो आज चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, बट आप लोग इतनी मैगी इतनी या फिर कोई भी नूडल्स इतना एकदम मत खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लिए अनहेल्दी हो जाएगा। तो जितना हो सके हेल्दी फूड खाओ। हाँ मैं आई नो सब मुझे यही बोलेंगे, खुद खाई जा रही है और हमें बोले जा रही है, बट लिटरली मैं नहीं खाऊंगी उसके बाद। मैं ऐसे भी आज 24 चैलेंज हो गया मेरा पूरा, तो बस ठीक है, मैं खुश हूँ इसी से। मैंने ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर में नूडल्स खाए। मुझे सबसे अच्छे जो टक्कर की मैगी के टक्कर के लगे थे वो मुझे शेजवान लगे थे। और जो अभी डिनर में मैंने आपने देखी होगी वीडियो, डिनर में जो मैंने खाए थे इंडियन स्पाइसी मसाले वाले, तो वो मतलब जो हम रेगुलर मैगी खाते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब ठीक थे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं क्योंकि हम लोग को उसका टेस्ट पता है तो वो हमें बहुत टेस्टी लगते हैं। बट शेजवान ने टक्कर दे दी थी तो मुझे शेजवान बहुत अच्छे लगे, तो या आई एग्री कि शेजवान ने टक्कर दे दी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके बाय बाय। बोल कुछ। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू आवर चैलेंज। क्यों बोल रही हूँ मैं चैनल, इट्स अ चैनल, ठीक है चैनल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैलेंज। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे आप मेरे हाथों में देख ही होंगे इतनी सारी मैगी क्या कर रही है, तो आज सॉरी वेलकम ये था मैं कंघी भी नहीं करके आई थी मैं तो वो तेरे बाल ना बंधे हुए। और फूडीज कैसी लगी ये चैलेंज वीडियो? अगर अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ना। और हमें कैसे फूड चैलेंजेस लाने चाहिए वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में, कि सोनाली कैसे चैलेंज करे, मैं कैसे चैलेंज करूँ, या हम दोनों साथ में मिलकर कोई चैलेंज वीडियो करें। तो वो सब अगर आप बताओगे नहीं कि आपको क्या देखना है तो हमें कैसे पता चलेगा? फूड से रिलेटेड आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए, चैलेंज वीडियो या फिर हम कहीं पर जाके एक्सप्लोर करें, तो वो आप हमें बताओ। और हाँ, इंस्टाग्राम पर होना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंडिविजुअल आईडीज का भी और हमारे चैनल की आईडी का भी, तो जल्दी से फॉलो कर लो। ओके बाय।